हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ड्रॉप डाउन एक्सटेंडर। गाइस, ड्रॉप डाउन एक्सटेंडर कंट्रोल की मदद से आप किसी भी कंट्रोल के लिए किसी और कंट्रोल को एज अ ड्रॉप डाउन बोल के सेट कर सकते हो। इस एग्जांपल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एक इमेज कंट्रोल के लिए एक पैनल को एज अ ड्रॉप डाउन हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक स्क्रिप्ट मैनेजर ले लेता हूँ, एक इमेज, और इमेज के नीचे हम लोग लेते हैं एक पैनल। ओके, अब बेसिकली हमको टास्क ये परफॉर्म करना है, जब भी यूजर इस इमेज के ऊपर क्लिक करे तो पैनल एज अ ड्रॉप डाउन बोल के वहां पर आना चाहिए। इमेज की यहां से मैं विड्थ और हाइट सेट कर देता हूं, से 200 एंड हाइट इज ऑल्सो 200। लेट्स सी द डिजाइन। ओके, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और पैनल जो हमने लिया है, दिस इज द पैनल। पैनल की भी विड्थ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 200, और जो हाइट है पैनल की वो मैं ले लेता हूँ यहाँ से 100 ज़्यादा हो जाएगी, 50 हम ले लेते हैं। और पैनल को एक बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ ताकि ये विजिबल हो और आप लोगों को समझ में आए कि एक्चुअल में पैनल कहाँ पर आ रहा है। तो मैं ये कलर यहाँ से सेट कर देता हूँ पैनल को। आई टेक थ्री लिंक बटन इनसाइड दिस पैनल। ओके, सो फ्रॉम सर्वर कंट्रोल यू विल गेट लिंक बटन। सो दिस इज लिंक बटन 1, दिस इज 2, एंड दिस इज 3, एंड दिस इज 4। आई टेक 4 लिंक बटन्स। Let's modify their text. Image 1. This is image 2. This is image 3. And this is image 4. Okay, तो हमने एक इमेज ली है और हम लोगों ने एक पैनल लिया है, उसके अंदर हम लोगों ने 4 लिंक बटन लिए। एक इमेजेस का फोल्डर मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ताकि इमेजेस के लिए आसानी हो। सो 1, 2, 3 एंड 4, यू कैन टेक एनी 4 इमेजेस फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। एंड हियर आई क्रिएट अ फोल्डर विथ नेम इमेजेस, और इसके अंदर मैं ये चारों इमेजेस को पेस्ट कर देता हूँ। जेपीजी इमेजेस है और मैं इनको रीनेम कर देता हूँ 1, 2, 3, 4। गाइस, दिस इज ऑप्शनल स्टेप, आप डिफॉल्ट नेम भी यूज कर सकते हो। मैं सिर्फ कोडिंग के लिए, मुझे आसानी हो इसलिए मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ यहाँ से, अदरवाइज रीनेम में कोई लॉजिक नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट फंक्शनैलिटी आई वॉन्ट टू राइट। जैसे ही मैं इस इमेज लिंक बटन 1 पर क्लिक करूँ तो इमेज 1 इस पिक्चर, इस इमेज कंट्रोल के अंदर आनी चाहिए, और जिस किसी लिंक बटन पर आप क्लिक करो वो इमेज यहाँ पर आनी चाहिए। तो वो कोड हम लिख देते हैं, काफ़ी सिंपल कोड है। इस इमेज 1 के अंदर जो भी इमेज दिखाना है वो आपको इमेज URL के अंदर असाइन करनी है। तो यहाँ पर हम लोग वो कोड लिखेंगे, इमेज 1 डॉट इमेज URL इक्वल्स टू आपका जो इमेज है वो आएगा इमेजेस फोल्डर के अंदर से 1.jpg। इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और बाकी तीनों बटन के ऊपर पेस्ट कर देते हैं। सो दिस इज 2.jpg, दिस इज 3.jpg, एंड सिमिलरली वी हैव टू सेट 4.jpg। और गाइज, अभी तक हम लोगों ने ड्रॉप डाउन एक्सटेंडर यूज़ नहीं किया है, ये हम पहले जो हमारा प्री वर्क है वो हम यहाँ पर कर ले रहे हैं और उसके बाद हम ड्रॉप डाउन एक्सटेंडर को यूज़ करेंगे। तो ये इतना पेज मैं यहाँ से लोड करके देखता हूँ ये प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। वंस इट इज़ ओके देन आई विल अप्लाई ड्रॉप डाउन एक्सटेंडर ऑन दिस।
तो आप लोग देख सकते हो जैसे मैंने वन पर क्लिक किया वन आ गया, दिस इज सेकेंड इमेज, दिस इज थर्ड इमेज एंड दिस इज फोर्थ इमेज. नाउ व्हाट आई वांट टू डू कि ये जो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मुझे विजिबल दिख रहा है पैनल, इसको मुझे विजिबल करना है जब भी यूजर इस इमेज बटन पर क्लिक करे तभी ये विजिबल होना चाहिए. मतलब इस इमेज के लिए मुझे इस पैनल को एज अ ड्रॉप डाउन बोल के सेट करना है. और जैसे मैंने इनिशियली कहा है कि ड्रॉप डाउन एक्सटेंडर की मदद से आप किसी भी कंट्रोल के लिए किसी और कंट्रोल को ड्रॉप डाउन सेट कर सकते हो. यहाँ पर मैंने एग्जांपल बोल के इमेज और पैनल लिया है, बट आप लोग कोई भी दो कंट्रोल यूज कर सकते हो ड्रॉप डाउन एक्सटेंडर के लिए. तो यहाँ पर इस पैनल के बाद हम लेते हैं ड्रॉप डाउन एक्सटेंडर. और गाइस सिर्फ दो प्रॉपर्टीज आप लोगों ने इसके सेट करने हैं. पहली प्रॉपर्टी है इसकी, लेट मी शो यू इन द प्रॉपर्टी लिस्ट, दैट इज टारगेट कंट्रोल आईडी एज यूजुअल. और दूसरी प्रॉपर्टी है दैट इज ड्रॉप कंट्रोल आईडी, दैट यू विल सी हियर, और ड्रॉप डाउन कंट्रोल आईडी. सो इन टारगेट कंट्रोल आईडी वी आर गोइंग टू सेट दिस इमेज वन, दिस इज अवर टारगेट. और जैसे ही यूजर इमेज वन पर क्लिक करे तो क्या दिखना चाहिए, पैनल वन. सो दिस इज योर ड्रॉप डाउन कंट्रोल आईडी, इसको आपने डाल देना है ड्रॉप डाउन कंट्रोल आईडी के अंदर. सो टारगेट कंट्रोल आईडी इज पैनल वन. Sorry, target control ID is image 1 and drop down control ID that is panel 1. And now run this page into the browser. सो हियर यू विल ऑब्जर्व दैट कि जो इनिशियली यहाँ पर पैनल आ रहा था वो अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है. और जैसे आप इस इमेज के ऊपर आपका माउस पॉइंटर लेके जाओगे तो ऐसा एक ड्रॉप डाउन का लोगो यहाँ पर आएगा. जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये आपका ड्रॉप डाउन यहाँ पर आ जाएगा, और इससे आप जो भी इमेज सिलेक्ट करोगे वो आ जाएगी और ड्रॉप डाउन फिर से वहाँ से हाइड हो जाएगा. ओके, सो इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन एक्सटेंडर को यूज कर सकते हैं. तो गाइज वेरी इजी टू यूज़. आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो को शेयर करना ना भूले. और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.